वालेकुम डियर फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैर से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बाज़ दफ़ा बहुत दिल चाहता है कि फ़ौरन से पहले जो है वो गन्ने का जूस मंगाएं और पिया जाए। जिस तरह की गर्मी इस महीने में पड़ती है, या मई जून जुलाई, ये गर्मियों में बहुत दिल करता है इंस्टेंट अगर आपने गन्ने का जूस पीना है तो मैं वो आपके लिए बना रही हूँ, जो आप फौरी फील फ़ौरन बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा आधा कप गुड़। आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा बनाना हो। एक मैंने लीमू लिया है, थोड़े से पत्ते लिए हैं पुदीने के, ये ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि कड़वा कर देते हैं ये। और ये एक से दो से तीन, दो से तीन जो है हरी इलायची के मैंने दाने लिए हैं, इनको मैंने दरदरा कूट लिया था। ये जाएगा यहाँ गुड़, पुदीने के पत्ते और ये इलायची। अब मैं इसमें डालूंगी इतना पानी कि ये ब्लेंड हो जाए, और पानी आपने ब्लेंड करते वक्त सादा डालना है ताकि, क्योंकि गुड़ है तो वो आराम से मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही मैं इसमें डालूंगी लीमू से, लीमू निचोड़ दिया अच्छी तरह। तो ये दूसरा भी जो है मैंने अच्छी तरह, एक लीमू मैंने लिया था और आधा मैंने पहले निचोड़ा है और आधा मैं अब डाल रही हूँ, तो अच्छी तरह मैंने लीमू भी डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी काला नमक 1/4 टीस्पून, ये देखें, ये फिर इसको अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। इतना पीसूंगी कि पुदीने की पत्तियां और गुड़ जो है बिल्कुल बारीक हो जाए। यहाँ पे ये मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया, बिल्कुल बारीक मैंने पीस लिया है। देखिए बहुत ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल भी सही नहीं है, मुनासिब ठंडा पिए। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई तो इसका मकसद ये नहीं कि आप बर्फ़ें डाल डाल के पीना शुरू कर दें, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तो मुनासिब ठंडा रखें। तो बर्फ़ मैंने डाल दी है। अब ये जो मैंने ब्लेंड किया था, अब मैं ये सारा इसमें डाल दूँगी। ये देखें बिल्कुल बारीक पीस गया, ये देखें बहुत अच्छा। अगर आपको बहुत जल्दी पीना है तो ये आपको गन्ने का रस जो है वो आप आराम से घर पे बना सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी पानी, आपने 4 गिलास बनाने हैं, 6 बनाने हैं, उसके हिसाब से आप आराम से बना सकते हैं। तरह था मैंने टेस्ट किया था, तो मैं थोड़ा सा काला नमक और शामिल कर रही हूँ। बच्चे बड़े सब पी सकते हैं, लेकिन ये कहना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बर्फ़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, हरगिज़ नहीं। मुनासिब बर्फ़ का इस्तेमाल बना है, बहुत टेस्टी बना है और सस्ता भी बना है। अगर थोड़ा सा भी गुड़ घर में है तो आप इस तरह बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा इंस्टेंट जो है गन्ने का रस तैयार है, पिए इंजॉय करें। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मेरे काइंडली जो मेरे चैनल पे आके मेरा चैनल देखते हैं वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर करें और मुझे बताएं आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपका अगर बहुत ज़्यादा दिल करे तो आप ये फौरी तौर पे ये बना सकते हैं और अपने हाथ से अच्छी चीज़ बना के बच्चों को भी दें, खुद भी पिएं और बहुत मज़े का बनाएं।